मूवी के स्टार्टिंग में हमें सन 1887 की कहानी को दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक मुर्दा आदमी को जिंदा करते हुए दिखाया जाता है एक पागल साइंटिस्ट और एक ड्रैकुला के पावर्स की मदद से। और दूसरी तरफ वहां के गांव वालों को ये पता चलता है कि वो दोनों नेचर के नियम के खिलाफ जाके कुछ काम कर रहे हैं, तो वे लोग वहां साइंटिस्ट और ड्रैकुला दोनों को मारने के लिए उस किले की तरफ जा रहे होते हैं। और अंदर डॉक्टर और ड्रैकुला इस मॉन्स्टर को जिंदा करके बहुत खुश थे, और ड्रैकुला इस मॉन्स्टर को धरती पर ड्रैकुला राज को कायम करने में इस्तेमाल करने वाला था, और वो ड्रैकुला साइंटिस्ट का काम होते ही उसे मार देता है। तभी वो मॉन्स्टर उठ जाता है और अपने बनाने वाले साइंटिस्ट को उठाकर बाहर एक विंडमिल की तरफ जाने लगता है, और वहाँ की पब्लिक भी उसी विंडमिल की तरफ जाने लगती है उन्हें मारने के लिए। और वे लोग विंडमिल में आग लगा देते हैं और वो साइंटिस्ट और मॉन्स्टर दोनों गिरकर मर जाते हैं। तभी ड्रैकुला वहाँ उड़कर आ जाता है और विंडमिल के पास पहुँचता है, और उसके साथ उसकी 3 बीवियाँ भी वहाँ पहुँचती है, और वो सारे रोने लगते हैं। ड्रैकुला वहाँ उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल किस लिए करता ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अगला सीन हमें एक साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हमें हमारे हीरो वेन हेलसिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक मॉन्स्टर किलर है, और वो अभी एक मॉन्स्टर को पकड़ने आया था, और यहां वो एक मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और आखिर में वो मॉन्स्टर को मार ही देता है। और अपना काम खत्म करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है, जो कि एक चर्च होता है। यहां पर वो एक प्रीस्ट से मिलता है और हमारा हीरो इन्हीं के लिए काम करता है, और इनका मकसद था शैतानों को मारकर उन्हें पकड़ना। तभी प्रीस्ट वेन हेलसिंग को उसके अगले टारगेट के बारे में बताता है, और उसका अगला टारगेट ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद वही ड्रैकुला होता है, जो सारे शैतानों का राजा होता है। प्रिस्ट उसे आगे बताता है कि वहाँ पर एक लड़की एना और उसका भाई का खानदान पिछले 400 सालों से लगातार उस ड्रैकुला को मारने की कोशिश में है, पर वो ड्रैकुला बहुत ताकतवर है और वहाँ जाकर वेन हेलसिंग को उसकी मदद करनी होगी उस ड्रैकुला को मारने के लिए। और हमारा हीरो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो एक जूनियर प्रिस्ट से मिलता है और अपने हथियार जमा करने लगता है जो ड्रैकुला को मारने में काम आने वाले थे। दूसरी तरफ एना और उसका भाई एक वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िये को पकड़ने के लिए जाल बिछाए वे होते हैं, और तभी वो भेड़िया वहाँ आ जाता है और उस भेड़िये को मारने की कोशिश शुरू हो जाती है, और काफी कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होते। और तभी वो भेड़िया एना को मारने वाला होता है, तभी उसका भाई एना को हटाकर भेड़िये पर गोली चला देता है, और वो भेड़िया और एना का भाई दोनों पानी में गिरकर मर जाते हैं। कुछ दिन बाद वेन हेलसिंग उसी गाँव में आता है, पर वहाँ के गाँव वाले कुछ खास उसको पसंद नहीं करते। तभी वहाँ ड्रैकुला की तीनों वाइफ आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। उनमें से एक वाइफ एना को पकड़ कर ले जाती है और उसे मारने वाली होती है। तभी वेन हेलसिंग भी उनसे लड़ने लगता है और हमें एक बेस्ट फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। फिर हमारा हीरो किसी तरह उन तीनों में से एक बीवी को मारने में सफल हो जाता है और क्रॉसबो से उसे मार देता है। एक वाइफ की मौत देखकर बाकी की दो बीवियां वहां से डरकर भागने लगती है। उधर एना जोश में आकर ड्रैकुला को अकेले ही मारने के लिए जा रही होती है, और हमारा हीरो उसे यहां बेहोश कर देता है क्योंकि वो जोश में होश खोने जा रही थी। एना जब होश में आती है तो हमें फिर से वही भेड़िये को दिखाया जाता है जो एना पर अटैक कर देता है, पर दरअसल वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है। और कहानी में थोड़ा पीछे जाने पर हमें पता चलता है कि वो भेड़िया जब एना के भाई पर अटैक करता है तभी उस भेड़िये ने उसके भाई को काट लिया होता है, और मूवी के अनुसार भेड़िया जब भी किसी को काटता है तो अगला आदमी भी भेड़िये में बदल जाता है, यानी कि आधा इंसान और आधा भेड़िया। और इंसानी रूप में आते ही वो एना से कहता है कि वो ड्रैकुला के प्लान के बारे में सब कुछ जानता है और ड्रैकुला के पास इसका इलाज भी है, और आगे वो इस धरती पर सिर्फ ड्रैकुला की फौज खड़ी करना चाहता है। तभी हमारा हीरो वहाँ आ जाता है और वो उस भेड़िये को मारने की कोशिश करता है, और तभी वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों फिर उस भेड़िये का पीछा करने लगते हैं और एक सीक्रेट जगह पर पहुँचते हैं। तभी वहाँ उन्हें ड्रैकुला के बहुत सारे अंडे नजर आते हैं जिसमें ड्रैकुला के बच्चे होते हैं ताकि उसके जनरेशन आगे बढ़ सके, और उन अंडों को पैदा करने के लिए उसे हाई एनर्जी की जरूरत होती है। यही ड्रैकुला भेड़िये का इस्तेमाल करता है ताकि उसकी एनर्जी से उसके सारे बच्चे पैदा हो सके, और ऐसा करके वो कुछ बच्चों को जिंदा भी कर लेता है। और ड्रैकुला के बच्चे गांव की तरफ जाते हैं गांव वालों का खून पीने के लिए। इधर हमारे हीरो का मुकाबला पहली बार ड्रैकुला से होता है, और हमारा हीरो समझ जाता है कि बिना तैयारी के वो उस ड्रैकुला को हरा नहीं सकता और वहां से चला जाता है। उधर ड्रैकुला फिर से भेड़िये की ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने बच्चों को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ड्रैकुला को इतनी ताकत नहीं मिल पाती जिनसे ड्रैकुला के लाखों बच्चों को एक साथ जिंदा किया जा सके, और वो एक बार फिर से फेल हो जाता है। उधर हमारा हीरो और एना दोनों भागते हुए एक विंडमिल में आ जाते हैं, और ये वही विंडमिल थी जिसमें हमें मॉन्स्टर को मरते हुए दिखाया गया था, पर यहाँ वो मॉन्स्टर जिंदा था और वो उन दोनों से कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि अगर मैं ड्रैकुला के हाथ लग गया वो मेरे
जरिए अपने लाखों बच्चों को जिंदा कर लेगा और फिर ड्रैकुला को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता क्योंकि उसे इस मॉन्स्टर में अच्छाई नजर आती है। और तभी ये सब एना का भाई सुन लेता है, और क्योंकि वो ड्रैकुला के लिए काम कर रहा था इसलिए वो मॉन्स्टर की जानकारी ड्रैकुला को जाके दे देता है, इस शर्त पर कि वो उसे ठीक होने वाली दवाई दे देगा ताकि वो वापस इंसान बन सके। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को अपने साथ अपने घर ले जाने की बात कहता है ताकि ड्रैकुला उसे कभी ढूंढ नहीं पाए और वहाँ ये मॉन्स्टर सेफ रहेगा। और फिर वो लोग एक बग्घी में बैठकर रवाना हो जाते हैं, और तभी ड्रैकुला की दोनों बीवियाँ मॉन्स्टर को हासिल करने के लिए उन पर अटैक कर देती है। पर यहाँ वैन हेल्सिंग को पहले से पता होता है कि उन पर अटैक होगा और इसलिए उसने एक जाल बिछाया होता है, और इसी जाल में फंसकर ड्रैकुला की दूसरी बीवी भी मारी जाती है। और इसी वक्त वो भेड़िया भी उन पर अटैक कर देता है और वैन हेल्सिंग उस पर गोली चला देता है और वो भेड़िया मर तो जाता है पर मरते मरते अब उसने हमारे हीरो को काट लिया था, यानी अब बहुत जल्द हमारा हीरो भी भेड़िए में बदल जाएगा। तभी ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को उठा कर ले जाती है और वैन हेल्सिंग से कहती है कि अगर तुम्हें एना चाहिए तो उस मॉन्स्टर को लेकर ड्रैकुला के पास आओ। और हमारा हीरो तैयार हो जाता है पर उसे कहता है कि हम सौदा ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ बहुत सारे लोग हों। और एक फेस्टिवल में वैन हेल्सिंग किसी तरह एना को ड्रैकुला के चुंगल से बचाकर भागने लगता है। तभी वहाँ ड्रैकुला के आदमी उस मॉन्स्टर को लेकर वहाँ आ जाते हैं और वैन हेल्सिंग ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए। तभी ड्रैकुला के लोग उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर ले जा रहे होते हैं और वैन हेल्सिंग उसका पीछा करने लगता है, पर तभी उस पर भेड़िया हावी होने लगता है और वो बहुत जल्द भेड़िए में बदलने वाला होता है, क्योंकि पूरी तरह से भेड़िया बनने के लिए पूरे चांद का होना जरूरी है जो ठीक 2 दिन बाद होता है। इसके बाद वे सारे लोग एना के घर जाते हैं और उन्हें एक दीवार में पेंटिंग नजर आती है और वो पेंटिंग उन्हें कुछ अजीब सी लगती है। तभी उस पेंटिंग का एक हिस्सा गायब होता है और वैन हेल्सिंग को याद आता है कि मिशन में आने से पहले प्रीस्ट ने उसे एक पेंटिंग का टुकड़ा दिया था, और गौर से देखने पर ये वही पेंटिंग का टुकड़ा होता है और ये टुकड़ा उस हिस्से पर लगाने से वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और वो सीधे ड्रैकुला के महल तक पहुँच जाते हैं। और तभी उन्हें वो मॉन्स्टर नजर आता है जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और वो मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को देख कर कहता है कि ड्रैकुला को सिर्फ एक भेड़िया ही मार सकता है और इसलिए ड्रैकुला ने भेड़िए का इलाज अपने पास ही रखा होता है ताकि जब भी कोई भेड़िया उसे मारने को आए तो वो उसे इंजेक्शन दे के इंसान में बदल दे। यहाँ मॉन्स्टर कहता है कि मेरी चिंता छोड़ो और जाकर ड्रैकुला को मारो। फिर हमारा हीरो मॉन्स्टर को बचाने चला जाता है और एना और जूनियर प्रीस्ट वो इलाज ढूंढने चली जाती है और उन्हें वो इंजेक्शन मिल भी जाता है, पर वहाँ ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी आ जाती है और फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। एना जैसे तैसे इंजेक्शन को हासिल कर लेती है पर ड्रैकुला की वाइफ इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाली नहीं थी। उधर दूसरी तरफ हमारा हीरो मॉन्स्टर को छुड़ा रहा होता है तभी ड्रैकुला की नज़र उस पर पड़ जाती है और वैन हेल्सिंग और ड्रैकुला में फाइट शुरू हो जाती है। इधर मॉन्स्टर को बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरते समय वो ठीक ड्रैकुला की तीसरी वाइफ पर आके गिरता है जो एना को मारने वाली ही होती है। और मॉन्स्टर के गिरने के बाद ड्रैकुला की तीसरी वाइफ की भी मौत हो जाती है, और तभी हमें पता चलता है कि आज पूरी चांद की रात है और वैन हेल्सिंग अब पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाता है, और वो भेड़िया दिखने में काफी ताकतवर भी होता है। और वैन हेल्सिंग भेड़िए के अवतार में और ड्रैकुला अपने अवतार में एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, और एक शानदार फाइट सीन के बाद आखिरकार भेड़िया ड्रैकुले के गर्दन में काट लेता है और ड्रैकुला वहीं मर जाता है। तभी एना देखती है कि वो पूरी तरह भेड़िया बन चुका है और एना उसे वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है ताकि उसे ठीक कर सके और वापस इंसान बना सके। तभी वो भेड़िया उसे खतरा समझकर उस पर हमला कर देता है और एना वहीं मर जाती है, लेकिन मरते मरते एना उस इंजेक्शन को लगा देती है और अब वैन हेल्सिंग थोड़ी देर में इंसान बन जाता है और एना को देखकर अपनी गलती पर अफसोस करने लगता है। फिर आगे वो लोग समंदर के किनारे जाते हैं और एना के बॉडी को आग लगा देते हैं, और तभी वैन हेल्सिंग को एना की आत्मा अपने परिवार से मिलती नजर आती है और एक दुख भरी स्माइल के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।